प्रवासी मजदूरों ने अकलतरा आईटीआई कोरोना सेंटर में जमकर बवाल काटा है और खाना नहीं देने का आरोप लगाया गया। क्वारंटाइन किए गए प्रवासी मजदूरों का कहना है कि सेंटर में साफ सफाई नहीं है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, साथ ही उन्होंने पुलिस पर मारपीट किए जाने का भी आरोप लगाया है। हालांकि जैसे ही अधिकारियों को हंगामे की जानकारी लगी वो मौके पर पहुंच गए और क्वारंटाइन किए गए मजदूरों की समस्याएं उन्होंने सुनी और उन्हें ठीक किए जाने का आश्वासन दिया गया। अब हमारी समस्या यही है सर, 12 बजे हमें खाना मिला है, बस इतना ही। हमारे नाश्ते में होगी और 1 किलो प्याज मिले हैं, वो भी 150 बंदे हैं और हमें यहाँ पे ले रहे हैं सर, हमें अपने ब्लॉक में रहना है। समस्या बहुत कुछ समस्या है, खाना पीना कुछ नहीं है। मैडम जी बोल रहे हैं कि इनको डंडा मारो, डंडा मार दिया मेरे को 4-5। और बताइए और क्या समस्या है? खाने पीना कुछ नहीं, सब भूख मर रहा है, पूरा बंदे वो बच्चे देखो। सवेरे सबको क्या क्या मिला है? कुछ नहीं मिला, ये मिला ये अभी तक 150 बंदे के 1 किलो प्याज मिला है, इतना ये खाना मिला। अच्छा, क्या क्या समस्या, अपनी समस्या बताइए। हमारी समस्या इधर बिस्तर का भी समस्या है, हमारे पास मास्क भी नहीं है और सैनिटाइजर वगैरह कुछ भी नहीं है। और हम लोग सवेरे से खाने के लिए मांग कर रहे हैं लेकिन ये लोग बस देंगे देंगे बोल करके अभी तक कुछ भी नहीं बना।